आरसीआई एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हमने भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ रहे थे, तो हमने तीन मूल अधिकार तो पढ़ लिए थे और चौथा मूल अधिकार है अब धार्मिक स्वतंत्रता का। पिछला जो वीडियो था उसमें तीन मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए थे और चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, जिसको हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को छूट प्रदान की गई है, अर्थात अपना राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है। साथ में धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 25 में अंत्यकर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि अपने आराध्य देवता को हम पूछ सकते हैं, किसी भी देवता को मान सकते हैं, किसी भी स्तर की पूजा कर सकते हैं, स्तर के किसी भी रूप को हम मान सकते हैं, ये हमको छूट है। अर्थात हम धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, संविधान का जो ये अधिकार है वो हमें धर्म परिवर्तन की इजाज़त भी देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जाना चाहिए, स्वेच्छा से हम धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है, लेकिन लोक हित या लोक हित के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे किसी को नुकसान हो रहा हो, किसी का अहित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पाबंद किया जा सकता है। वैसे तो गलती धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, अपने धर्म संबंधी जो भी कार्य है वो संपन्न कर सकता है, किसी धर्म का कोई उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में हमें पूर्ण आज़ादी दी गई है। अगला मूल अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। पाँचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। सबसे पहली बात ये आती है शिक्षा व संस्कृति क्या है। संस्कृति का मतलब है रहन सहन, खान पान, आचार विचार, पहनावा, वेशभूषा, ये सब किसमें आता है, संस्कृति में आता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यहाँ प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा लिपि बनाए रखने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, अर्थात वो अपनी कोई रहन सहन, आचार विचार, खान पान, वेशभूषा, इसको जो का तू बनाए रख सकता है, या फिर अपने भाषा अपने धर्म से संबंधित कोई शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है या कोई भी लेकिन एक विशेष बात है कि राजकीय जो संस्थान है उनमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। बाकी कोई भी धर्म संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति अपनी धार्मिक शिक्षा केंद्र खोल सकता है और अपनी भाषा लिपि को जो का तू बनाए उसको छूट दी गई है। तो हम 29 और 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है, क्योंकि शेष पांच मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी इसी के ऊपर है। जब किसी भी पांच मूल अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन होता है तो हम इस अधिकार के माध्यम से न्यायालय में जा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है कि संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि आपको संविधान का कौन सा अनुच्छेद अच्छा लगता है तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर इशारा करूंगा, क्योंकि ये न्याय दिलाने वाला है, ये एक तरह से मूल अधिकारों का गार्ड है, पहरेदार है, ये उनकी चौकसी करता है, न्याय दिलवाता है। इसलिए इसी अनुच्छेद के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। इस मूल अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि सभी मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी इसी के ऊपर रखी गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हम न्यायालय जा सकते हैं और अपने अधिकारों का, जबकि जिस भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसको हम बहाल करवा सकते हैं। न्यायपालिका संवैधानिक उपचारों के माध्यम से पाँच प्रकार के लेख जारी करती है। वो लेख क्या क्या है?
पहला है बंदी ब्रिटिशीकरण, पहला है बंदी ब्रिटिशीकरण, यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर न्यायपालिका को ये लगे कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के कारण गलत हैं, बंदी बनाने के कारण गलत हैं, तो न्यायपालिका उस व्यक्ति को छोड़ सकती है। इस प्रकार अवैध रूप से जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को छुड़ाने का हथियार है ये। बंदी प्रतिशीलन क्या है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना दिया जाता है तो अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को छुड़ाने का हथियार क्या कहलाता है, बंदी प्रतिशीलन। उस स्थिति में न्यायपालिका एक लेख जारी करता है, कोई व्यक्ति गलत कारण से फंस गया है, गलत कारण से उसको गिरफ्तार किया, तो उसको छुड़ाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसको कहते हैं बंदी प्रतिशीकरण। दूसरा लेख है परमादेश, परमादेश, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, अर्थात निचले अधिकारी को उच्च अधिकारी के द्वारा अपने, जब निचला अधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो वो उसको आदेश दिया जाता है कि आप सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करें या फिर सार्वजनिक जो नियम है उनके नियमों से बाहर मत जाओ, ऐसा उसको करके आदेश दिया जाता है, उसको बोलते हैं परमादेश। और तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध, किसी मुद्दे को रोकना हो तो इस लेख का प्रयोग किया जाता है जिसको आदेश निषेध भी कहा जाता है। बंदी प्रतिषेध, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख। चौथा है जब निचली अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है या निचली अदालत अपनी सीमा रेखा से बाहर काम कर रही है तो निचली अदालत से मुकदमे को ऊपरी अदालत में भेजा जा सकता है, तो ऐसा काम करने के लिए उत्प्रेषण लेख का प्रयोग किया जाएगा। निचली अदालत में जब कोई मुकदमा चल रहा हो तो उस निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जब मुकदमा भेजा जाता है तो उस स्थिति में उत्प्रेषण लेख का प्रयोग किया जाता है। और ये कब होता है, जब निचली अदालत या तो सीमा रेखा से बाहर काम करे या मुकदमे की सुनवाई अच्छी प्रकार से नहीं करे तो उस मुकदमे को उच्च स्तर पर मंगवाया जा सकता है, और मंगवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसको कहा जाता है उत्प्रेषण लेख। लास्ट लेख है अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है या कोई तथ्य छुपाकर कोई पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी जांच न्यायपालिका कर सकती है, और न्यायपालिका जब जांच करती है और जांच के दौरान वास्तव में उसने ऐसा किया है, तथ्य छिपाया है या गलत तरीके से नियुक्ति दी है, तो उस व्यक्ति को एक तरह से हटाने के लिए जो लेख जारी किया जाएगा उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। फिर से सुने बच्चों ध्यान से, एक बार अधिकार परीक्षा क्या है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ये एक नंबर का कि अधिकार परीक्षा क्या है। अधिकार परीक्षा क्या है कि जब किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लिया है, गलत तरीके से कोई पद प्राप्त की, सत्ता प्राप्त की है, तो उसकी जांच करेगी न्यायपालिका, और न्यायपालिका को लगे कि वास्तव में उसने तथ्य छिपा कर या गलत तरीके से अनुचित तरीके से पद प्राप्त किया है तो उसको हटाने के लिए लेख जारी करेगी, उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इस प्रकार ये भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार थे जिनको हमने पढ़ा है। धन्यवाद।